राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है। बता दें कि जिला संघों की ओर से चुनाव अधिकारी राम लुभाया की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि राम लुभाया को सरकार ने नए जिला बनाने की कमेटी में शामिल कर रखा है, ऐसे में उन्हें लाभ का पद दिया गया है। साथ ही कहा कि सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव अधिकारी राम लुभाया के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसके बाद अदालत ने चुनावों पर रोक लगा दी थी, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और वहां से हाईकोर्ट को याचिका का निस्तारण करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान आरसीए की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि चुनावों के लिए नया चुनाव अधिकारी लगा दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। साथ ही राम लुभाया इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही बताया कि जिला संघों ने याचिका में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति को ही चुनौती दी थी, इस पर कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। अब आरसीए चुनाव की नई तारीखों की घोषणा कार्यकारिणी में होगी और नए चुनाव अधिकारी ही पूरी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। गौरतलब है कि 30 सितंबर को आरसीए के चुनाव होने थे। इन चुनावों में वैभव गहलोत भी अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन चुनाव से पहले राजस्थान हाईकोर्ट में नागौर, श्रीगंगानगर, दौसा और अलवर क्रिकेट जिला संघों ने याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई गई। इस पर चुनाव से ठीक एक दिन पहले 29 सितंबर को अदालत ने चुनावों पर रोक लगा दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अरविंद पलावत, कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कुछ रहेगा, आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले के तहत अब जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो चुनाव है वो अब उनका रास्ता साफ हो चुका है और जल्दी ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो चुनाव की नई तारीख है उनका यहाँ पर ऐलान हो जाएगा। नए चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा बनाए गए हैं और वे इस चुनाव की जो तारीख है वो यहाँ पर घोषित करेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले जब ये पूरा मामला सामने आया था तो चार जिला संघों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका के आधार पर यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई थी और उस पर याचिका में जो चुनाव अधिकारी उस वक्त नियुक्त किए गए थे राम लुभाया, उनकी नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर जो है आपत्ति दर्ज कराई गई थी और उस आपत्ति में ये कहा गया था कि राम लुभाया नए जिले बनाने वाली जो कमेटी है, हाई पावर जो कमेटी है, उसके मेंबर हैं और ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उन्हें लाभ का पद जो है वो दिया गया है। तो इस स्थिति में यदि वे चुनाव अधिकारी रहते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है। इन सभी मामलों को लेकर के और यहाँ पर आपत्ति जब है दर्ज कराई गई तो उस आपत्ति के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी और अब इसके बाद में ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एकल पीठ को, राजस्थान हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिए कि एक महीने के अंदर आप इस पूरे मामले की सुनवाई कीजिए और सुनवाई के बाद में इस मामले का जो है निस्तारण है वो कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आज राजस्थान हाईकोर्ट में आरसीए की ओर से एक लिखित जवाब है वो पेश किया गया, उसमें कहा कि उन्होंने राम लुभाया को चुनाव अधिकारी के पद से हटा दिया है और पद से हटने के बाद भी जो नया जो चुनाव अधिकारी है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आईएएस सुनील अरोड़ा जो रिटायर्ड आईएएस है उनको यहाँ पर चुनाव अधिकारी है वो बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में इस याचिका का निस्तारण कर दिया गया, निस्तारण के साथ ही जो नए जो चुनाव है नए सिरे से कराने का रास्ता यहाँ पर साफ हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक आरसीए चुनाव की जो नई तिथियां हैं वो यहाँ पर घोषित होती है, क्योंकि कार्यकारिणी की जब बैठक होगी उस बैठक के अंदर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि नए चुनाव कब हों। जी धन्यवाद अरविंद तमाम जानकारी के लिए।